हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आया हूँ और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे ट्रैक्टर की एचपी के बारे में। दोस्तों, आपने भी अक्सर नोटिस करा होगा कि ट्रैक्टर में ज़्यादातर एचपी को हाईलाइट किया जाता है, जबकि एचपी कोई ऐसी टर्म नहीं है जिसे हम नाप लें कि भाई ये इतने फोर्स लगा रहा है या इतना हमें ताकत दे रहा है खींचने की। एक्चुअली टॉर्क को नापा जाता है, टॉर्क से ही हमें पता चलता है कि ये कितने एचपी का है। तो मेन मुद्दा जो है वो टॉर्क होता है कि वो टॉर्क कितना दे रहा है और कितने आरपीएम पे दे रहा है, उसी से हमारा एचपी निकलता है। ट्रैक्टर की जो खींचने की ताकत हमें पता चलती है वो हमें टॉर्क से ही पता चलती है। टॉर्क होता है हमारा रोटेटिंग फोर्स, मतलब व्हील्स को घुमाने के लिए व्हील्स के पास कितनी ताकत है वो हमें टॉर्क से ही पता चलती है। जबकि हम सिर्फ एचपी देख लेते हैं, ये देखते नहीं कि उसमें टॉर्क कितना है और कितने आरपीएम पे है। दोस्तों, एचपी पावर को डिनोट करता है और हमारे ट्रैक्टर के अंदर मेनली दो तरह की पावर होती है। एक तो इंजन पावर होती है जो इंजन पावर प्रोड्यूस कर रहा है, और दूसरी होती है हमारी पीटीओ पावर जो कि हमारी पीछे एक पीटीओ शाफ्ट होती है उस तक आ रही है, जिससे हम अदर इक्विपमेंट जैसे कि हमारा गेहूं निकालने की मशीन या और भी कोई इक्विपमेंट हो उसको हम चला सकते हैं जिसके थ्रू। तो उस शाफ्ट पे कितनी पावर आ रही है और इंजन कितनी प्रोड्यूस कर रहा है, ये दो तरह की होती है। इनमें ज़्यादातर 4-5 HP का अंतर रहता है। तो दोस्तों, आप भी अगर सिर्फ एचपी देख के ट्रैक्टर लेते हो तो आप गलती करते हो। आपको उसका टॉर्क भी पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है सेम एचपी के दो ट्रैक्टर हों लेकिन एक में टॉर्क ज़्यादा हो, एक में टॉर्क कम हो, और आपको हो सकता है टॉर्क की ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो। क्योंकि ट्रैक्टर मेनली हम खींचने के लिए ही लेते हैं, खेत में काम करने के लिए लेते हैं, जिसमें हमें टॉर्क की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। जबकि जिसमें हमारा टॉर्क कम होगा, ऐसी बात नहीं वो बेकार है, उसमें हमारे इतने ही आरपीएम ज़्यादा होंगे, इतना ही टॉप स्पीड ज़्यादा होगी। इसका मतलब वो हमारी रोड पर ज़्यादा तेज चल सकता है हमारे दूसरे ट्रैक्टर से। अब इस चीज़ का मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लो हमारे पास एक ट्रैक्टर है 50 HP का, जो कि 200 Nm का टॉर्क 1500 RPM पे दे रहा है, ठीक है। जबकि दूसरा ट्रैक्टर है वो भी 50 HP का है, वो 250 Nm का टॉर्क 1200 RPM पे दे रहा है। ये वैल्यू मैंने ऐसे ही उठाई है, जरूरी नहीं कि ये एग्जैक्ट हो, पर लेकिन ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो दोनों 50 HP के हैं। जब तक आप सिर्फ उनकी एचपी देखोगे तो आपको नहीं पता होगा भाई कितना टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक की एचपी सिर्फ आरपीएम की वजह से ज्यादा है, क्योंकि हमारी एचपी का फॉर्मूला होता है टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय आरपीएम। तो दोस्तों, आप लो कोई सा भी, लेकिन आपको पता होना चाहिए सिर्फ एचपी देखने से काम नहीं चलता। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ, वो बता पाया हूँ। और आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताना। तो दोस्तों, आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।